धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यदधर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवे। तो महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जब वृषभ रूपधारी धर्मदेव ने धर्म का वो रहस्य कहा तो महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए और बड़े काम की बात है। आपके मेरे लिए तो ये विशेष ध्यान देने योग्य है कि जो दंड अधर्म करने वाले को मिलता है वही दंड निंदा और चुगली करने वाले को भी मिलता है। भरसक प्रयास करके साधक को इन दुर्गुणों से, इन दोषों से स्वयं को बचा के रखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा होता क्या है, जैसे व्यास जी कहते हैं ना, जल सींचत है मूल में और वृक्ष लगावे आग। इधर तो साधन किया, मूल में जल दिया, और उधर राग द्वेष के अधीन होकर निंदा चुगली आदि करके जिस वृक्ष को जल दिया उसी वृक्ष में आग लगा दी। जल सींचत है मूल में और वृक्ष लगावे आग। तो महाराज परीक्षित इस उत्तर से समझ गए, उन्होंने कहा कि मेरी निश्चयात्मिका बुद्धि ये कह रही है कि आप कोई और नहीं, आप स्वयं धर्म हैं, आप ही हैं जो जान सकते हैं काल की कर्म की ये सूक्ष्म गति। आपके जीवन में जो भी आया आ रहा है और आएगा, वो वस्तु हो, वो व्यक्ति हो, वो समय हो, वो स्थान हो, वो स्थिति हो, जो भी है आपके जीवन में जो भी आया आ रहा है और आएगा वो आपके कृत कर्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कर्म ही आकार लेकर आता है, कभी वस्तु का आकार लेकर आता है, कभी व्यक्ति बन के आता है, कभी कोई स्थिति परिस्थिति बन के आ जाता है, लेकिन जीवन में जो आ रहा है वो आपका कर्म है। को न काम सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्यों जीव मुक्त नहीं होता कर्म के बंधन से? क्योंकि मिथ्या दोष लगाता है, कभी इसको कभी उसको, कभी काल को कभी कर्म को कभी ईश्वर को। और फिर यहां स्वयं धर्म कह रहे हैं कि किसी पर मिथ्या दोष लगाने का दंड क्या है। बोले उस जीव को फिर पुनः पुनः नरक आदि यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। महान अधर्म है, यही महान अधर्म है कि किसी पर वृथाई दोष लगा देना। अच्छा, हम जाने अनजाने ऐसा ही तो करते हैं, सोच तो लेते हैं ना, भाई अमुक व्यक्ति के कारण ऐसा हो गया, हमारी इस स्थिति का उत्तरदायी अमुक व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ ना। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये बात आपको अपने मन को समझानी होगी। यदि शांति चाहते हो, और मैं फिर याद दिलाऊं आपको संतों की वाणी, जीवन का कल्याण करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो संकल्प शक्ति अपेक्षित है जीवन का कल्याण करने के लिए, उसका उद्गम शांति से ही होता है। शांत मन से ही वो शक्ति उद्भूत होती है। और वो शांति कहां से आएगी? वो शांति आएगी जीवन का रहस्य समझ लेने से, किसी स्थान को बदल लेने से, भेष बदल लेने से, देश बदल लेने से, बाहरी कोई भी क्रिया कर लेने से चित्त शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, बाहर हजार हजार चीज बदलो कुछ नहीं बदलता, एक मन बदल जाए सब बदल जाता है, एक मन बदल जाए सब बदल जाता है। फिर कोई कहता है खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। शांत मन के ही तो शब्द हैं ये, न राग है न द्वेष है। जो मन द्वंद से मुक्त हो गया वही तो शांत है। तो जब तक ऐसे वृथाई किसी पर दोषारोपण करते रहोगे, कभी कभी काल पर, कभी कर्म पर, कभी इस पर कभी उस पर, तब तक मन शांत कैसे होगा? इसीलिए इसे कर्मों का दुष्चक्र कहते हैं। जीव स्वयं करता है,
दोषारोपण किसी और पर करता है, अधर्म का भागीदार बनता है और फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, कभी शांति को प्राप्त ही नहीं करता। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक जीवन का कल्याण करने वाली शक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो बड़ा सुंदर संदेश है, उपदेश है भाई, इससे बचना, बार बार अपने मन को समझाना, बार बार अपने मन को पढ़ाना, पर दोष दर्शन से बचे रहोगे। और इस भाव का अभ्यास करते करते एक दिन प्राप्त हो जाएगी वो शांति, जिससे वो शक्ति उद्भूत होती है, जिससे कल्याण किया जाता है अपने जीवन का, अपने जीवन का उत्थान कराया जाता है। नीचे गिरने के लिए कोई शक्ति नहीं चाहिए। पहाड़ से जब कोई नीचे उतरता है तो वो जो ढलान है ना, वो गति अपने आप बढ़ा देती है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए बल चाहिए, ऊपर चढ़ने के लिए सामर्थ्य चाहिए। ऐसे जीवन का उत्थान कराने के लिए सामर्थ्य चाहिए। वो सामर्थ्य शांति से ही आएगा। शांति कहां से आएगी? शांति आएगी इस रहस्य को समझ लेने से। कहां से आएगा संतोष? इसी रहस्य को समझ लेने से आएगा। को न का सुख दुख कर दाता। और केवल दुख की बात नहीं, सुख की बात भी। सुख दुख जो आ रहा है वो आपका है, क्योंकि अगर किसी को सुख देने वाला समझोगे तो राग हो जाएगा, किसी को दुख देने वाला समझोगे तो द्वेष हो जाएगा। इसलिए दोनों ही बातों को समझना है। को न का सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रा। कर्म का भोग है। और मैं तो कहता हूं, प्रभु का नाम जपते जपते सत्संग की शरण में रहकर इसको भोग लीजिए। प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। हम पर कृपा क्या है कि हमें प्रभु ने अपना नाम दे दिया, नाम का बल दे दिया, सत्संग का आधार दे दिया, संतों की शरण दे दी, जिनकी शरण में बैठ मिले विश्राम। ये सूर्य से बरसने वाली गर्मी तो कुछ भी नहीं है। जीव तो दिन रात त्रिताप से तप रहा है, मन तपता ही तो है उसका। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या मद मात्सर्य, ये सब निरंतर जीव को तपाई रहे। और इस त्रिताप को नष्ट कर देने वाले श्री कृष्ण, वो गुरुजनों की संतों की कृपा से हमारे जीवन में आ गए। इसलिए बुद्धिमानी तो यही है भाई, प्रभु की शरण में रहकर नाम का आश्रय लेते हुए, सत्संग का आधार लेते हुए, जो प्रारब्ध है उसको प्रसन्न मन से स्वीकार कर लीजिए। वो धीरे धीरे क्षय हो जाएगा। जैसे किसी को किसी अपराध के दंड स्वरूप 10 बरस का कारावास मिला हो, लेकिन वो व्यक्ति जेल में जाकर बड़ा अच्छा आचरण करे, उसका आचरण अच्छा हो, तो उसके अच्छे आचरण को देखकर उसका दंड कम कर दिया जाता है ना, उसको क्षमा दे दी जाती है। ऐसे ही अपने कर्म के बंधन को और मत गाढ़ा करिए, और मत बढ़ाइए इस दोष को अपने जीवन में। जो है वो भाई हमारा ही किया है, वही हमारे सन्मुख आ रहा है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए संतुष्ट मन से, प्रसन्न मन से प्रभु का नाम जपते जपते उसको स्वीकार करिए। और दीर्घ काल तक यदि आपने ये अभ्यास किया, फिर प्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, अपराध क्षमा करते हैं, प्रकृति भी क्षमा कर देती है, प्रभु भी क्षमा करेंगे। पर मार्ग यही है, नहीं तो भाई इस उलझन से आपको कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस उलझन में आपने ही अपने आप को उलझा रखा है। आप ही सुलझाएंगे इस उलझन में, आपने ही स्वयं को उलझाया है, आप ही सुलझाएंगे। जैसे मकड़ी जाला बनाती है ना, फिर उस जाले में फंस जाती है, ऐसे ही जीव विचार से चिंतन से ताना बाना बुन लेता है, फिर उसी जाल में फंस जाता है, फिर निकल नहीं पाता है। संतों की वाणी सुलझा देती है, जीवन की गुत्थी सुलझा देती है। इसीलिए कहा, अंधकार में है गुरु मंत्र उजारा। यही तो अंधेरा है, और गुरु का शब्द, गुरु का मंत्र यही तो प्रकाश देता है, निकाल लेता है, इस उलझन से निकाल लेता है, सुलझ जाए आपका जीवन। और मैं तो कहता हूं भाई, जीवन
जीना तो ये गुत्थी सुलझने के बाद ही आरंभ होता है, अभी तो अहमता और ममता की चक्की में जीवन पिस रहा है। इसको जीवन जीना नहीं कहते? एक पल का चैन नहीं, भय चिंता क्लेश दिन रात भीतर बाहर जीव को सता रहे हैं, जला रहे हैं, ये कोई जीवन थोड़ी है। चक्की में पिस रहा है व्यक्ति, चिंता की चक्की में पिस रहा है। जीवन का आरंभ ही होता है जब ये गुत्थी सुलझ जाती है, तब कोई संत हृदय कहता है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई ना। असल में हमने तो समझौता कर लिया है ना भाई, मरने के बाद ही सुखी होंगे। हम लोगों ने तो यही समझौता कर लिया है भाई, मरने के बाद ही पिंड छूटेगा, मरने के बाद ही सुखी होंगे। ये मरने के बाद कोई सुखी नहीं होता है भाई। कबीरा जीते भेंटिए, कान खोलकर सुनो संतों की बात, मुए मिले ना राम। राम माने सच्चित आनंद, सच्चिदानंद को ही कबीर राम कहते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, कबीर के राम तो वही है ना। अरे कबीरा जीते भेटिए, मुए मिले न राम। अरे भाई जीते संतों को मिला तभी तो उन्होंने गाया, सुख पाया सुख पाया। हाँ एक बात ध्यान देने की है, मिला कैसे? रहम तेरी सुख पाया, मेहरवान मेहरवान साहेब मेरा मेहरबान। अरे भाई प्रभु की मेहरबानी तो है आप पर मुझ पर, प्रभु की मेहरबानी तो है। बाह पकड़ कर लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया, अन बोलत मेरे बिरथा जानी अपना नाम जपाया। प्रभु की कृपा ही तो है कि संसार के प्रपंच से हमको निकाल कर लाकर बैठाते हैं सत्संग में। ये साहेब की मेहरबानी तो है। मेहरबान मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान। गाइए, मेरे राम राय मेरे राम राय, जू राखे त्यू रहिए। मेरे राम राय मेरे राम राय, जू राखे त्यू रहिए। आप देखो इस पंक्ति में क्या संदेश है। ना यहां किसी से लेना है ना किसी से देना है, कोई सतत निरंतर बस केवल अपने प्रभु की इच्छा पर ध्यान लगाए, उस इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित किए और बस धीरे धीरे इस पथ पर आगे बढ़ रहा है। मेरे राम राय मेरे राम राय, दूरा तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा सुख तेरा। मैं
कभी कभी आपसे कहता हूँ ना कि भाई अपने रहने के लिए बड़ा सुंदर घर बनाते हो, सजाते हो, मन के लिए भी तो घर बनाओ, मन भी तो रहे कहीं, मन को रहने के लिए भी सुंदर भाव की ठौर चाहिए। वही बात बाईसा ने कही है, जुगन जुगन की बिछड़ी मीरा अब घर लीनो पा, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, सतगुरु दियो बताए सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। इसलिए सुख पाना है और भाई यही पाना है, जीते भेटिए। इस भूल का सुधार करना है कि मरने के बाद हमारी गति होगी। सदगति के लिए, श्रेष्ठ गति के लिए, सुंदर गति के लिए ही तो जीवन मिला है। तो महाराज परीक्षित ने कहा आप धर्म हैं। और फिर महाराज परीक्षित ने यह और कहा, जब उन्हें एक चरण पर खड़ा देखा तो वो ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, राजा हैं पर ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, वेद शास्त्र का रहस्य जानते हैं। इसलिए कहा तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः स्मय संगमदैस्तव। इसलिए सत्ययुग में आपके चार चरण थे, आप सर्वथा प्रसन्न थे, तप शौच दया और सत्य। बोले अधर्म के बंधु अहंकार आसक्ति और मद, बोले इन तीनों के कारण आपके तीन चरण नष्ट हो गए, अब केवल एक चरण बच रहा है सत्य। सत्य का कभी अभाव नहीं होता। जिन सत्य स्वरूप भगवान की स्तुति भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत के आरंभ में करते हैं ना, सत्यम परम धीमही, उस सत्य का कभी अभाव नहीं होता। कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, कैसा भी काल हो, सत्य का अभाव नहीं होता। यद्यपि कहीं कहीं पुराणों में चार चरणों में यह भी कहा है कि कलयुग में केवल दया बची है। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने भी इसका समर्थन किया है कहीं कहीं, जीवे दया नामे रुचि। कबीर भी कहते हैं दया राख धर्म को पाले, घर में रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। पर यहां महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि अब केवल सत्य बचा है। अहंकार के कारण तप नष्ट हुआ, अहंकार से तपस्या नष्ट हो जाती है। मैंने किया है, कोई भी शुभ कर्म हो यदि उसके मूल में कर्तित्व है मैंने किया है तो वो दूषित हो जाएगा। सकामता से की गई सेवा दूषित हो जाती है कि मुझे कोई लाभ मिलेगा, इस लोभ से जब सेवा की जाती है तो फिर सेवा दूषित हो जाती है। कबीर कहते हैं ना, साहिब के दरबार में कमी काऊ की ना, बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी मां। चाकरी में चूक हो रही है और वो चूक क्या है, सकामता ही चूक है। और सकामता के मूल में क्या है, स्वार्थ है। सकामता के मूल में क्या है, स्वार्थ के मूल में क्या है, अच्छा विचार करो स्वार्थ के मूल में क्या हो सकता है। सकामता के मूल में तो स्वार्थ है, स्वार्थ के मूल में क्या है, स्वार्थ के मूल में अज्ञान। गुरु की कृपा से ज्ञान हो जाए तो ये ग्रंथि खुल जाती है। मन का संशय भागा
गुरु की कृपा हुई और कबीर कह रहे, कहत कबीर सुनो भाई साधो मन का संशय भागा। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, और यहां मुनिया कौन है? अपनी आत्मा, अपना आत्मस्वरूप, उसी की ओर कबीर का संकेत है। जो मुनिया को लखे लखावे आवागमन निवारी, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली। तो स्वार्थ के मूल में क्या है? अज्ञान। और गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? मैं तो कहता हूं कि भाई गुरु के चरण हर ताले की चाबी है। संत के चरण मिल गए तो भाई सब प्रश्नों के उत्तर आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। संत पहुंचा देगा आपको वहां, उस देश में जहां पर कोई प्रश्न होता ही नहीं, जहां कोई प्रश्न नहीं है, और जहां प्रश्न नहीं है वहां उत्तर भी नहीं है। एक बड़ा सुंदर श्लोक अष्टावक्र गीता में मिलता है, क्व धनानी क्व मित्राणी क्वमे विषय दस्य वह क्व शास्त्रम क्वच विज्ञानम यदा मे गलिता स्प्रिहा। यदि मेरे मन की वासनाएं समाप्त हो गई, बोले मुझे अब किसी भी क्रिया की, किसी भी कर्म की, किसी भी विधि की क्या आवश्यकता है, मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया। इसी को कबीर ने कहा, जो मुनिया को लखे लखावे आवागमन निवारी, मुनिया पिंजरे वाली ना। अरे हम भूल से ही, अज्ञान के कारण ही तो स्वयं को शरीर माने बैठे हैं। आप शरीर थोड़ी हो, मैं शरीर थोड़ी हूं। यदि आप शरीर होते तो आप मैं शरीर कहते ना, आप तो मेरा शरीर कहते हैं, मेरा, मेरे हाथ, मेरा पैर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, अर्थात आप इससे अलग है ना। बस कबीर इसी की ओर संकेत कर रहे हैं, कह रहे जिसने गुरु की कृपा से जान लिया, जिसका यह ज्ञान दूर हो गया कि मैं ये सब नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। बड़ी सुंदर बात इसी पद में कबीर जी ने कही ना, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, हरि नाम ले छूटी मुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली। मैं करता हूं, यही अज्ञान है, यही अज्ञान है, मैं करता हूं। करता तो एक है, और जिसने इसको जान लिया, जिसने इस रहस्य को जान लिया, जिसे इसका बोध हो गया, वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर। भाई भगवान की कृपा से संत भक्त तो अनेक हैं, अनेक अनेक महात्मा भारत भूमि को पवित्र करते हैं, पर भगवान कह रहे वो महात्मा दुर्लभ है जो ये जान लेता है, वासुदेव सर्वमिति, भाई मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, एक मैं ही हूं। इसलिए मैं कल आपसे कह रहा था, आशीर्वाद या श्राप दोनों के मूल में कर्तृत्व है, अहंकार है। इसलिए जो बिरले महात्मा है वो ना आशीर्वाद देते हैं ना श्राप देते हैं, वो तो प्रभु से अरदास करते हैं। तुद आगे अरदास हमारी। कैसे कैसे सुंदर शब्द है और कैसे निर्मल भाव है, ना वो आशीर्वाद दे रहे हैं ना श्राप। कहते हैं कि गुरु साहब ने अपनी आंखों से वो नरसंहार देखा जो बाबर ने किया था। श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में उसका स्पष्ट विवरण मिलता है, वो भयंकर नरसंहार उन्होंने अपनी आंख से देखा
जो बाबर ने किया। लेकिन ऐसा नहीं कि बाबर को श्राप देते हो, ना ना, वो ना किसी को आशीर्वाद दे रहे ना किसी को श्राप, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, क्योंकि वो जानते हैं भाई करने वाला एक है, ये जो हो रहा है सब उसी की इच्छा से हो रहा है, ये जो है उसी की लीला है, उसी का लीला विलास है। अब की बार हम गीता के सत्र में भी यही चिंतन कर रहे थे ना, अनेक अनेक मत संप्रदायों में ऐसा कहा जाता है एक ईश्वर है एक शैतान है, एक बनाता है एक मिटाता है, एक अच्छा करता है एक बुरा करता है। हमारे यहां ऐसा नहीं है, हमारे यहां तो वो बराबर दिल में है पर फासले भी साथ रखता है, और मेहरबा इम्तिहान के सिलसिले भी साथ रखता है, और बनाते ही चले जाना नहीं है शौक बस उसका, वो फना के वास्ते वो जल जले भी साथ रखता है, वही बनाता भी है वही मिटाता भी है। वो बिरला है जो इस रहस्य को जान जाए, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए गुरु साहब ने कोई कोई बाबर को श्राप नहीं दिया, उसे कोसा नहीं, कबीर ने सिकंदर को नहीं कोसा। जो हो रहा है उसको देखते रहे दृष्टा बनकर, और मानवता के प्रति जो कर्तव्य था उसका पूरा पूरा निर्वहन किया, प्रभु से प्रार्थना की। तुद आ गए अरदास हमारे, जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्या, कोई नाम जाने मेरा, कोई नाम जाने मेरा। और मैं तो कहता हूं भाई इस समर्पण के बिना तो जीवन बड़ा भारी हो जाएगा। मेरे जैसे स्थान पर जो व्यक्ति बैठा हो उसका तो भाई जीवन बड़ा भारी हो जाए, बोझिल हो जाए, अगर वो समर्पण ना करे प्रभु के चरणों में, अगर इस रहस्य को ना जाने तो व्यक्ति अहंकार के बोझ तले दबकर मर नहीं जाएगा। मैं ही करता हूं, हजारों हजार पत्र आते हैं मेरे पास, हजारों, जिसमें लिखा रहता है आपकी कथा सुनी, सत्संग सुना, जीवन बदल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और मैं हंसता हूं, ये देखकर हंसता हूं, देत लेत है आप ही पलटू पलटू सो। जैसे पलटू साहब कहते हैं ना, बोले कोड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा, बोले देखो बाहर हमारे नाम का जय जयकार हो रहा है और यहाँ हमारी दशा देखो, हमारे पास क्या है। ऐसे जब ये सब आता है मेरे पास ना तो मुझे भी ऐसी हंसी आती है, फिर संतों की वाणी से समझ आ जाती है कि भाई देत लेत है आप ही पलटू पलटू सोर। और फिर हमारे प्रभु का स्वभाव है ऐसा, भाई क्या करें, ऐसी प्रभु करत दास पै प्रीत। मैं तो सदा आपको कहता हूं ना, करने वाला एक है, उसी ने किया वही कर रहा है वही करता रहेगा, और ये सिद्धांत आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वही कर रहा है। और देखो वो सदा ही यश दूसरे को देते हैं, वो सदा ही दूसरों को यश देते हैं, हम जैसे जीव यश पाते हैं प्रभु का गुण गा के, प्रभु का यश गा के। और इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर एक है, बस ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीत। आपके रोम रोम में आनंद घुल जाए, ये एक एक बात आप गुरु कृपा से अपने जीवन में जान ले, भाई वही है कर रहा है। इसीलिए संत कह रहे हैं तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। इसीलिए कबीर कह रहे साई के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए। तो महाराज परीक्षित ने कहा अहंकार के कारण तप नष्ट हुआ, ये एक चरण नष्ट हुआ, अगर आसक्ति के कारण शौच, शौच अर्थात पवित्रता। अनुचित आचरण के कारण, अपवित्र आचरण के कारण, दुराचार के कारण पवित्रता नष्ट हुई। संतों ने इसका विचार किया, बोले कैसे नष्ट होती है आसक्ति से पवित्रता, जब आप किसी में आसक्त होते हैं ना फिर उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाते आप। अगर आप किसी में आसक्त हो गए तो उसका अनुचित भी आपको उचित लगेगा, आप ना तो उसको देख पाएंगे सही से, ना तो आप उसकी क्रिया का सही आकलन कर पाएंगे, और उल्टे होगा क्या, मोहग्रस्त होकर व्यक्ति
जिसमें आसक्त होता है उसके अनुचित का संग भी करता है, उसका सहयोग भी करता है और उसके पाप कर्म का भागीदार बनता है। तन मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है आसक्ति के कारण, और यही आसक्ति अगर प्रभु में हो जाए तो फिर मन वचन कर्म की पवित्रता बढ़ती चली जाती है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। पर यह बात समझने की है, यदि आप किसी में आसक्त हो गए, यदि मोह का बंधन बंध गया किसी से, तो फिर मन वचन कर्म की पवित्रता नष्ट होकर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आप अनुचित आचरण करेंगे भी और उसके अनुचित आचरण के आप संगी भी होंगे, सहयोगी भी होंगे। मोह आपसे कराएगा। महाराज धृतराष्ट्र कहां निर्णय कर पाए, महात्मा विदुर ने कितना समझाया, पितामह भीष्म ने कितना समझाया। अरे ये दो महापुरुष तो उस समय ऐसे थे जो महान धर्मात्मा थे, सब धर्म शास्त्रों का रहस्य जानने वाले ये तत्वज्ञ महापुरुष थे। ये दोनों जीवन भर धृतराष्ट्र को समझाते रहे, पर उसकी आंखों पर पुत्र के मोह की आसक्ति की वो पट्टी बंधी थी, वो कहां देख पाया। कुल नष्ट हुआ, श्री नष्ट हुई, कीर्ति नष्ट हुई, कुछ भी तो नहीं रहा, जीवन की पवित्रता समाप्त हो गई। तो यहां ये श्लोक अपने अविदा अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी कह रहा है, समझना चाहिए। अहंकार आया तो तप नष्ट हो जाएगा, सकामता आई सेवा नष्ट हो जाएगी, किसी में आसक्ति हुई तो आचरण की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। और पूर्व भी मैंने आपसे कहा, हजार हजार बातें धर्म की कोई कहता रहे सुनता रहे, लेकिन धर्म का आचरण सदाचार के बिना नहीं हो सकता। धर्माचरण के लिए सदाचार आवश्यक है। जैसे जैसे आप और मैं वायु से श्वास लेते हैं ना, ऐसे धर्म का जो विग्रह है वो पवित्र आचरण से श्वास लेता है, उसमें प्राण ही पवित्र आचरण के कारण है, आचरण की पवित्रता नष्ट ना होने पाए। और आज जो समय है आप देखो, जलवायु दूषित हो गई, आहार विहार हमारा अपवित्र हो गया, 24 घंटे व्यक्ति आंख से कान से अनुचित आहार ही तो कर रहा है, मन बिगड़ता ही तो जा रहा है, मन में हजार हजार विकृतियां आ रही हैं। बड़े खुश होते हैं लोग कि देखो आज सारा संसार कितना कितना सिमट कर छोटा सा हो गया। अरे दिन रात आप वो देख रहे हैं जिसकी देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप वो सुन रहे हैं जो सुनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मन विकृत होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है। ये सब कलयुग के दोष दुर्गुण ही तो हैं। इसीलिए कहा गया पुराणों में, घोरे कलियुगे प्राप्त सर्वधर्म विवर्जिते, यही कली कर्म न धर्म विवेकु। इसलिए दो दिन पहले आपसे कह रहा था, भाई जब धर्म की बात आए तो एक ही विचार करना, राम नाम अवलंबन एकु, यही कली कर्म न धर्म विवेकु। हो ही तो गई कलयुग में पवित्रता ही तो नष्ट हो गई, जीवन कहां पवित्र है, पवित्रता नष्ट हो गई। दुर्बल मन, मोहग्रसित मन, आसक्त मन, इसके कारण पवित्रता नष्ट हुई। तो कह रहे अहंकार के कारण तप नष्ट हुआ, आसक्ति के कारण, दुरंत मोह के कारण जीवन की शुचिता, शौच, शुचिता नष्ट हुई, पवित्रता नष्ट हुई। आपको एक बात अपनी ओर से कह रहा हूं, पवित्र आचरण वाले व्यक्ति का दर्शन तन मन को शांत कर देता है। यदि आपका आचरण पवित्र है ना, आपको जो देखेगा उसका मन शांत हो जाएगा, उसके मन में पवित्र भावना का संचार हो जाएगा। जितनी देर के लिए कोई आपके निकट रहेगा उसके मन को एक विचित्र सी शांति प्राप्त होगी। यदि आपका आचरण पवित्र है तो किसी प्रकार का चिन्ह धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पवित्र आचरण वाले व्यक्ति को, इसका आचरण पवित्र है, उसको कोई चिन्ह धारण करने की आवश्यकता नहीं है, ये बताने के लिए कि मैं कोई साधु हूं या साधक हूं। और मैं कहता हूं हजार हजार चिन्ह धारण किए हो, सर से लेकर पांव तक लदे हो आप तथा कथित चिन्हों से,
लेकिन यदि आचरण पवित्र नहीं है, यदि आचरण पवित्र नहीं है, तो भाई जैसे अंधे से मार्ग पूछने वाला कहां जाएगा, अंधे के पीछे चलने वाला कहां जाएगा, वही गति होती है। और मैं ये बात तो मैं स्वीकार करता हूं भाई कि आज इस विपरीत समय में ये आचरण को पवित्र रखना इट्स अ चैलेंज, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और कोई मुझसे ये पूछे कि फिर इसकी विधि क्या है, सुनने में बड़ी सीधी है, अब करने में जाने कितनी कठिन हो सरल हो ये तो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। सुनने में तो सीधी सरल सुगम विधि है, हरि नाम से लेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। कहीं पढ़ा था मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाक्य कि प्रार्थना करने वाले होठों से सेवा करने वाले हाथ कहीं अधिक पवित्र होते हैं। प्रार्थना करने वाले होठों से, उपदेश करने वाले होठों से सेवा करने वाले हाथ कहीं अधिक पवित्र होते हैं। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से थोड़ा अनुभव करता हूं और वही उसी अनुभव का आधार लेकर आपको भी कह रहा हूं, बाकी सारी बातें बाद में, बाकी सारी बातें बाद में, सबसे पहला प्रयास हमारा यही होना चाहिए हमारा जीवन पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्र हो। जिस आसन पर प्रभु आकर विराजमान होंगे वो आसन स्वच्छ पवित्र होना चाहिए ना, हमारा जीवन पवित्र हो, तन से मन से वचन से कर्म से हमारे जीवन में पवित्रता का आधार हो। और मैं ये भी साथ ही कह रहा हूं कि आज के समय को देखते हुए ये बहुत बड़ी चुनौती है, और भगवान नाम का यदि कोई आश्रय ले, संत गुरुजनों की सेवा का यदि किसी के पास बल हो तो फिर तेरे सेवक को भव किछ नाही, जम ना आवे नेरे। इस दुस्तर संसार से पार जाने की विधि तो यही है ना भाई, संत सबद लग उतरे पार। और कल भी मैं आपसे कह रहा था पुस्तक में पढ़ोगे यही बात तो पता नहीं भीतर उतरे कि नहीं उतरे, संत गुरुजनों के मुख से श्रवण करोगे तो वो भाव जरूर आपके हृदय का स्पर्श करेगा। यही यही संत की महिमा है, यही सत्संग की महिमा है। आप देखो क्या महादेव भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानते, उनसे अधिक कौन जानता है, लेकिन फिर भी संतों के मुख से भगवान की कथा सुनते हैं, संतों को सुनाते हैं, कथा सुनते भी हैं और कथा सुनाते भी हैं। जैसे ही समाधि से उठते हैं और मां भवानी को कथा सुनाने लगते हैं, चले जाते हैं किसी के पास, पहुंच गए महर्षि अगस्त के आश्रम में, किस लिए आए हैं, फिर आपसे कथा सुनने आए हैं, महादेव आए हैं कथा सुनने, जो भगवान की आत्मा है, जो भगवान को अपने से भी अधिक प्रिय हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी और चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। जो सदा सज्जनानंद दाता पुरारी वो आए हैं, चलकर आए हैं, किस लिए, बोले सत्संग करने के लिए आए हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं। यही संत की महिमा है, यही सत्संग का प्रसाद भी है भाई। तो तप नष्ट होता है किससे, जोर से बोलो, अहंकार से। और तप का अर्थ केवल केवल जंगल में जाकर होने वाली तपस्या नहीं है, सत्कर्म भी शुभ कर्म भी जो भी आप करते हो, वो जप ध्यान क्यों ना हो, वो सेवा सुविरन जो भी हो, पर उसके मूल में ये कर्तृत्व का अहंकार ना हो। और शुचिता पवित्रता नष्ट होती है किस कारण, आसक्ति के कारण। और तीसरा चरण दया, ये नष्ट हुआ किससे, मद के कारण। जब व्यक्ति मद से अंधा हो जाता है ना, चाहे वो मद रूप का हो, धन का हो, विद्या का हो, पद प्रतिष्ठा का हो, जब व्यक्ति मदांध हो जाता है
किसी को कुछ समझता नहीं। आपने बहुत घटनाएं देखी सुनी होंगी कि अमुक व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और ऐसे कितने लोगों को रौंद दिया। मद में व्यक्ति अंधा हो जाता है ना, उसकी दया नष्ट हो जाती है। मदांध व्यक्ति का हृदय पाषाणवत हो जाता है, पत्थर के जैसा कठोर, उसकी दया नष्ट हो जाती है। अब जब बात मद की आए ना, तो बात बहुत समझ लेने की है कि भाई नशा केवल मादक द्रव्यों में ही नहीं होता। मैं तो कहता हूं वो सब जो मद है ना, थोड़ी देर का है, दो चार घंटे में उतर गया, एक आध दिन में उतर गया। पर जो धन का मद है, विद्या का मद है, रूप का मद है, प्रतिष्ठा का मद है, ये तो चढ़ा ही रहता है व्यक्ति पर। व्यक्ति किसी को कुछ जानता समझता ही नहीं, स्वयं कोई भगवान समझने लगता है, बन के बैठ जाता है भगवान। और पीछे मुड़कर देखो, शरीर की अवस्था की यदि मैं बात करूं तो आप सब लोगों ने मुझसे अधिक संसार देखा है। पीछे मुड़कर देखो, वो जो कल भगवान थे आज कहां हैं? वो जो कल लाखों करोड़ों लोगों के भगवान थे वो आज कहां हैं? पर होता क्या है, उस समय व्यक्ति मदांध हो जाता है, मद से अंधा हो जाता है, निर्दय हो जाता है, दीन दुखियों का शोषण करने लगता है। अरे बल मिला था किस किसके लिए, किसी निर्बल का बल बनते, किसी दीन दुखी की सहायता करते। आपको धन मिला था किस लिए, किसी की सेवा करते, किसी का सहयोग करते। आपको विद्या मिली थी किस लिए, किसी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश लेकर आते, किसी को सदमार्ग पर चलाते। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, विचार करने की बात है, प्रभुता पाए काय मद नाही। जब प्रभुता आती है तो मद आता ही है। इसीलिए संतों ने किसी भी प्रकार से इसको स्वीकार ही नहीं किया, अपने जीवन में आने ही नहीं दिया। अंत तक यही कहते रहे, यही करते रहे, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। आप निर्भर रहे, माध्यम बनकर, निमित्त बनकर प्रभु का कार्य करते रहे। अच्छा लगता है भाई, अच्छा लगता होगा, चारों तरफ जय जयकार हो रही हो, मार्ग में आपके लिए पलक पावड़े बिछाए जा रहे हो, चारों तरफ आपका जय घोष हो रहा है, सब देखना सुनना बड़ा अच्छा लगता है। पर बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है इसकी। क्यों? क्योंकि जीव का इस पर अधिकार नहीं है, इसके अधिकारी तो प्रभु ही हैं। कहीं भी कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, कहीं भी कोई सत कार्य कर रहा है, तो वो अपने बल, अपनी शक्ति, अपनी प्रतिभा से थोड़ी कर रहा है। उसके मूल में तो प्रभु ही है, श्री कृष्ण ही है। सारी गीता का सार रहस्य यही तो है। अर्जुन ने कहा मैं नहीं मारूंगा, भगवान ने कहा तू मारने वाला कौन है? मारना हो या जीवन देना हो, भगवान ने कहा दोनों कार्य तो मेरे हैं, तू मारने वाला कौन है? तू मारने वाला कोई नहीं है। और यदि तू मारना नहीं चाहता इन्हें, तो देख ये तो सब पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान ने कहा अरे जीवन दान देना हो या जीवन हरण करना हो, ये दोनों अधिकार तो मेरे हैं, तू मारने वाला कौन है? पर जब प्रभुता आती है तो मद आता है, मद आता है तो व्यक्ति निर्दय हो जाता है, पाषाण हृदय हो जाता है, दीन दुखियों का शोषण करने लगता है, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से करता है। अच्छा एक और बड़ी विचित्र बात घटती है उस समय। उस समय उसको हजार सदुपदेश दिया जाए पर वो ग्रहण नहीं कर पाता है। कितना समझाया रावण को समझाने वालों ने, रावण की अपनी पत्नी, वो बड़ी पतिव्रता थी, धर्मशीला थी, उसने रावण को कितना सदुपदेश दिया, उसको कहां समझ में आया। तब से लेकर आज तक आपको हजारों हजार उदाहरण मिल जाएंगे। जब व्यक्ति मद से मतवाला होता है, जैसे मतवाला हाथी मार्ग में आने वाले छोटे मोटे प्राणियों को, बड़े बड़े वृक्षों को ऐसे ही रौंदता और तोड़ता चलता है, ऐसे ही मतवाला व्यक्ति होता है, मदांध हो जाता है, मद से दया नष्ट हो जाती है। और दया क्या है? दया धर्म का प्राण है, दया धर्म का प्राण है। सब महापुरुषों ने एक मत से इसको स्वीकार किया है। कबीर तो कहते हैं दया राख धर्म को पाले, ये नहीं कहा कि धर्म का पालन करे और दया रखे, कह रहे दया रखे और धर्म को पाले। दया पूर्व पक्ष है, धर्म का पालन उत्तर पक्ष है। यही बात हमारे श्री सेवक जी महाराज ने भी कही, कहां कही? सब जीवन सो प्रीत, रीति निबाहत आपनी,
महापुरुषों की जो वाणी होती है ना, उसमें कुछ रहस्य होता है। कौन सा शब्द पहले कह रहे हैं? पहले ये भी तो कह सकते थे, रीत निबाहत अपनी, पहले श्री जी की सेवा कर लो फिर सब जीवन सो प्रीत। पर पहले कह रहे हैं सब जीवन सो प्रीत, और सेवक जी महाराज को ये बात कहां से मिली? क्योंकि महाप्रभु जी का वचन है, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, दया राख धर्म को पाले। और फिर कबीर कह रहे घर में रहे उदासी। यहां भी दो बात कह दी, रहे कहां? घर में। घर छोड़ के क्यों ना जाए? क्योंकि जिस समय कबीर जी का प्रागट्य हुआ वो तो त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, आने वाला समय उन्होंने देख लिया। बोले व्यक्ति कहां वन में रहेगा, वन ही नहीं रहेगा तो वन में व्यक्ति कहां रहेगा? एक घर छोड़ के जाएगा दूसरा घर बनाएगा, और यही हो नहीं रहा है क्या आज? एक घर छोड़ के आए तो दूसरा घर बना लिया, फिर वृंदावन वास भी कर रहे हैं, पीछे जहां से आए हैं वहां फोन कर करके पूछ भी रहे हैं, बोले सब ठीक चल रहा है ना, सब काम ठीक से हो रहा है ना, ले एक घर था तो जंजाल कम था, दो घर बना लिए। तो करे दया राख धर्म को पाले। मैं तो यही आपसे बार बार कहता हूं भाई, संतों की बात कान लगाकर सुनो, ध्यान लगाकर सुनो, क्या कह रहे हैं वो, इन्हीं के शब्द से लगकर पार उतरोगे, और तो कोई नैया नहीं है उस पार ले जाने के लिए, यही जहाज है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। अगर घर में रहे पर कैसे उदासी, या उदास का मतलब सैड नहीं है, उदास का मतलब सैड नहीं है, उदास का मतलब निष्पक्ष होकर रहे, राग द्वेष से मुक्त होकर रहने का प्रयास करे, प्रभु का सेवक बन के रहे, प्रत्येक आने वाले विधान को प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार करे, और मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, इस भाव से घर में रहे। घर में रहे उदासी, कह रहे यदि इतना कार्य कर ले, अपना सा जीव सबको जाने सहज मिले अविनाश। अपना सा जीव सबको जाने, घर के सेवक बेचारे भयंकर गर्मी में तप रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेठ जी बैठे हैं कमरे के अंदर सोफा पर बैठे बैठे माला घुमा रहे हैं, और बीच बीच में चिल्ला भी देते हैं, क्या कर रहे हो, आवाज क्यों आ रही है, कहां से आ रही है, देख नहीं रहे हम भजन कर रहे हैं। अरे अपना सा जीव सबको जाने, जैसा कष्ट आपको होता है ना भाई वैसा ही सबको होता है, जैसी पीड़ा आपको होती है वैसी पीड़ा सबको होती है। अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। और यही श्रीमद् भागवत में आप आगे श्रवण करेंगे, इसलिए भगवान को प्रसन्न करना हो तो सबसे पहला कार्य क्या है? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। दयया सर्वभूतेषु, जीवे दया नामे रुचि। और महाराज परीक्षित कह रहे बोले कलयुग में बोले जो दया रूपी चरण है ये भी नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया? बोले अज्ञान के कारण मनुष्य जो है बोले वो मद से अंधा हो रहा है, मतवाला हो रहा है, विचार नहीं करता है क्या? पानी के ना बुदबुदा और मानुष की जात, शरीर में शक्ति है ही कितनी, कितनी शक्ति है अगर रूप का मद हो। हाँ एक बात बड़ी अच्छी है, मद कैसा भी हो एक दिन उतरता जरूर है। मैंने कहा ना मादक द्रव्यों से जो मद होता है वो तो दो चार घंटे में उतर जाता है, एक दो दिन में उतर जाता है, लेकिन धन का यौवन का पद का जो मद होता है वो थोड़ी देर से उतरता है, वो नैया डुबा कर उतरता है, वो तुमको नरक तक उतार कर ही उतरता है, पर उतरता है। रूप का मद हो, रूप का मद हो तो जैसे मुट्ठी की रेत झर जाती है ऐसे जाते जाते रूप भी तो चला ही जाता है। और मैं कहता हूं जाते जाते क्या, एक ततैया नाक पर काट जाए भगवान ना करे, लियो उसके बाद अपना ही मुख दर्पण में देखने में डर लगेगा, इतनी तो कहानी है और क्या है। और धन का मद तो भाई मैंने तो बड़े उदाहरण अपने ही जीवन में देख लिए, जिन्होंने अपनी बुद्धि से अपार धन कमाया उन्होंने अपने ही निर्णय के कारण वो सब गंवा भी दिया, उसी बुद्धि से कमाया भी उसी बुद्धि से गंवाया।
और पद की बात करें तो भाई प्रधानमंत्री का ही पद क्यों ना हो, प्रधानमंत्री का ही पद क्यों ना हो। वो संसार जो कभी कभी देव पुरुष और भगवान का अवतार कहने लगता है और वही प्रश्न चिन्ह भी लगाने लगता है, वो मत भी उतर जाता है, वो भी नहीं रहता। अरे छोटी मोटी बात तो क्या करें, पद की बात यदि हो तो छोटी मोटी बात क्या करें। संत कहते हैं कि 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, ऐसा परिवार रावण का, और कह रहे 100 रावण घर दिया न बाती। गोस्वामी जी कह रहे रहा न को रोवन हरा, वो धूल में पड़ा है, कितना ही बड़ा पद क्यों ना हो। वो मत भी उतरता है। हाँ, पर बात यहां पर ये है कि मद के कारण दया नष्ट होती है, जीव मदांध हो जाता है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। संतों ने तो यही कहा है, भाई गुण सब तेरे अवगुण सब मेरे। शास्त्रों में, पुराणों में, जिन श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर हम चिंतन कर रहे हैं, यहां पर पदे पदे आपको देखने सुनने को मिलेगा कि जहां भी कहीं कोई गुण प्रकट है उसके मूल में श्री कृष्ण ही है। अभी गत सत्र में हमने जो चर्चा की, माता पृथ्वी ने भगवान में रहने वाले जिन दिव्य गुणों का गान किया, जहां भी कहीं इन गुणों की छटा दिखाई पड़ती है, मूल में तो भाई भगवान ही है, मूल में तो प्रभु ही है। इसलिए गुण है भी सही यदि तो अपना नहीं है भाई, अपना लेखा जोखा तो ये कहता है मौसम कौन कुटिल खल कामी। हृदय को हिला देने वाला है श्री महाप्रभु जी का वाक्य, क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। श्री यमुनाचार्य जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, श्री रंगनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभो, ऐसा कौन सा नीच निंदित कर्म है जो मैंने हजार हजार बार नहीं किया हो, और आज भी जब मैं आपके सन्मुख खड़ा हूं, आज भी उन वृत्तियों से मैं मुक्त नहीं हुआ हूं, मैं तो केवल आपकी कृपा की आकांक्षा लेकर यहां खड़ा हूं आपके सन्मुख, कि आपकी कभी कृपा दृष्टि होगी और हम इन सब से मुक्त हो जाएंगे। हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरे। प्रभु पूछते हैं, भाई रोज हमारे सन्मुख आकर क्यों खड़े हो जाते हो, बस इसी भाव से यही आशा लेकर आते हैं। नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इतही धरेंगी, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। इसलिए संत कह रहे ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन संसा, जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणा। तभी चाचा श्री वृंदावन दास जी करुणा मेली में कहते, अगणित द्वंद देह के पथ हैं, कोई एक रोग, एक कष्ट, एक पीड़ा,
एक ताप थोड़ी है, करे अगणित दंद देह के पत है, और तुम बिन तारन को समरथ है। अन बोलत मेरी बिरथा जानी, अन बोलत की बात है। संसार में अपना दुख हजार रो आप किसी के आगे, कोई दुख दूर कर सकता है? हजार हजार बार अपने मन का दुख कह लो किसी को, कोई कर सकता है आपके आपके जीवन का दुख दूर कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक माता, उस बेचारी का युवान पुत्र चला गया, एक मिनट के लिए मुझे मिली बाहर, तो मैंने कहा माता इस समय तेरा दुख दूर करने की सामर्थ्य प्रभु के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। दूर करेंगे तो वही करेंगे, उन्हीं की शरण पकड़ना, उन्हीं की ओर देखना, आशा भरी दृष्टि से उन्हीं की ओर देखना, कहीं और ना जाना, किसी से ना कहना। संसार हजार बार सुन ले, कर क्या सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। अरबा महाराज कह रहे प्रभु के दरबार में, प्रभु के दरबार में क्या मौज है, करे अनबोलत मेरी व्यथा जानी, मैंने कहा भी नहीं और प्रभु ने मेरे मन की पीड़ा मेरी व्यथा जान ली। अनबोलत मेरी व्यथा जानी, अनबोलत बिछरत आन मिलाया, तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई। सार स्वरूप ये बात समझ कर आगे बढ़े कि तप नष्ट होता है अहंकार से, शुचिता पवित्रता नष्ट होती है आसक्ति से, दया जाती है हृदय से मद के कारण। और इन सब दुर्गुणों से बचने की युक्ति यही है, ठाकुर तुम शरणाई आया, प्रभु के चरण कसकर पकड़े और पकड़े रहे। संतों की शरण में रहकर, उनके मुख से ज्ञान श्रवण करके, इस संसार की अनित्यता का, क्षण भंगुरता का विचार करता रहे। महाराजा जनक और अष्टावक्र जी के संवाद में एक और बड़ी सुंदर बात मिलती है। महाराजा जनक ने पूछा कि जहां चारों ओर अग्नि की ऐसी उत्ताल तरंगें उठती हों, उस अग्नि सिंधु में कोई कैसे शांत हो, किस कैसे मिले यहां शांति? तो महामुनि उत्तर देते हैं,
अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्रितय दूषितं असारं निंदितं हेयं इति निश्चित्य शाम्यति। ये संसार अनित्य है, त्रिताप से दूषित है, असारम निंदितम हेयम, करे ऐसा निश्चय करके ही कोई शांत हो सकता है भाई, इससे पहले नहीं हो सकता। अब कोई प्रश्न करेगा कि आप तो कहते हैं कि एक और ये सारा सचराचर जो है वो भगवान का ही रूप है, और फिर संसार की ऐसी निंदा भी कर रहे हैं, दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? महाप्रभु भी कहते हैं अपनी वाणी में, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलिजुगी टंच, और वही महाप्रभु ये भी कह रहे हैं सबसों हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। दोनों बातों में विरोधाभास सा मालूम पड़ता है ना, सही बात क्या है? वस्तुतः महापुरुष कहना क्या चाह रहे हैं कहने, जब क्योंकि मैंने आपसे पहले कभी कहा था आप में क्रिया शक्ति भी है और आप में भाव शक्ति भी है, दोनों को सही स्थान पर लगाना अनिवार्य है। भाव शक्ति को भगवान में लगाना है और क्रिया शक्ति को सेवा में लगाना है। जब संसार की सेवा करे तो प्रभु का स्वरूप समझकर सेवा करे, लेकिन अगर सुख की आशा संसार से बंधने लगे फिर संसार की अनित्यता का विचार करे, संसार की क्षणभंगुरता का विचार करे। असारम निंदितम हेयम इति निश्चित शाम्यति, बोले ऐसा निश्चय करके ही कोई शांत हो सकता है? जब तक लगे ना भाई यहां से कुछ मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, तब तक शांति नहीं है। और जैसा अभी मैंने आपसे कहा ना, प्रभु के चरण कसकर पकड़े रहो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है भाई ये जितने मन के दुख दोष द्वंद हैं, जितने पाप ताप शाप हैं, सब प्रभु के चरण शरण होकर ही दूर होते हैं। विभीषण जी भी जब भगवान के पास पहुंचे यही तो कहा, उर कछु प्रथम वासना रही। हाँ प्रभु, मेरे मन में भी वासना तो थी, उर कछु प्रथम वासना रही, अच्छा कामना भी कह सकते थे, मेरी वासना थी, अर्थात मेरी जो इच्छा थी वो स्वार्थ से युक्त थी, निंदित थी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। पर करुणा निधान के चरणों का दर्शन किया और हमारा मन निर्मल हो गया। इसीलिए तो आपसे कहता हूं भाई, जीव शुद्ध होकर भगवान से नहीं मिलता, भगवान के शरणागत होकर शुद्ध होता है। जैसे स्वर्ण को एक संस्कार से शुद्ध किया जाता है ना, ऐसे ही जो जीव है ना ये शुद्ध होता है, हो जाता है, पर कैसे? ये शरणागति के संस्कार से सुसंस्कृत होकर जीव शुद्ध होता है, प्रभु की चरण शरण पकड़कर कोई शुद्ध होता है। इसीलिए महापुरुषों ने इस संसार की अनित्यता का भी विचार किया, युग के दोषों का भी विचार किया, अपने प्रारब्ध का भी विचार किया। अच्छा, प्रारब्ध से मुक्ति तो तब संभव है ना जब वृत्ति सुधर जाए। चलो भाई, मान लिया कि भाई पिछला जो है उसको तो हम निपटा लेंगे, अगला प्रारब्ध ना बने, अगला भी तो साथ ही साथ बन रहा है। कौन सा आज मन सुधर गया है? हजार हजार दुख भोग कर कोई मन सुधर जाता है? चारों तरफ व्यक्ति संसार की दशा देखता है फिर उसी गड्ढे में जाकर गिरता है। अपने चारों तरफ व्यक्ति दुख पाता दूसरे को देखता है, स्वयं उसी मार्ग पर चलता है, वही कार्य करता है, उसी स्थान पर जाकर खड़ा होता है। कौन सा जीवन में आने वाले सुख दुख आपको मुझे सिखा देते हैं? कौन सा हमारा मन सीख जाता है? तभी तो संत कह रहे हैं, अगणित द्वंद देह के पथ हैं, तुम बिन तारण को समरथ है। वो आपको छोटी सी कथा मैंने कभी सुनाई थी ना, जमुना जी में दीपक बहते बहते आ रहे हैं, और ऐसे कन्हैया अपने कृपा से कोई एक आध दीपक अपने हाथ से उठाते हैं और अपने पास रख लेते हैं। मैया पूछती आकर, चोरे कहा कर रहे? बोले ना मैया, मैं तो इनको पार लगा रहा हूं। तो मैया कहती, सभन को क्यों ना लगा रहो पार? तो कन्हैया कहते, मैया सभन को पार कैसे लगाऊं, ऐसे ही जमुना जी की धारा में बहतो बहतो कोई मेरे चरणन के निकट आ जाए तो मैं पार लगा दूं, नहीं तो सब बढ़िया लग रहे हैं। ऐसे भाई ब्रह्मा जी ने दिन रात तपस्या करके, हजारों लाखों वर्ष की तपस्या करके संसार बनाया, फिर उसको चला रहे हैं, किस लिए?
ये जो तमाशा रचाया है रचाने वाले ने, खेल देखने के लिए ही तो, उसको तो इसी में आनंद आ रहा है, आता रहेगा। प्रातस्मरणीय श्री स्वामी रामसुख दास जी महाराज यही तो कहते थे, बोले भगवान के मन में ऐसा कोई संकल्प नहीं है सबका कल्याण हो जाए, उनके मन में नहीं है। भगवान के मन में संकल्प हो ही जाए कल्याण, फिर उसको रोकेगा कौन। तभी तो सहजोबाई कह दी, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने पांच चोर दिए साथा। तो ऐसे सत्संग की धारा में बहता बहता कोई जीव पहुंच जाता है भगवान के चरणों के निकट। नहीं तो भाई, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। आचार्य प्रभु की वाणी का विचार करो, करे मन फंसा है किसका, आपका मेरा नहीं, हमारी तो जाने क्या क्या दशा दुर्दशा है हमको पता ही नहीं। अरे पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंदा, कौन मुक्त हुआ इससे। भगवान वेदव्यास कहते हैं, मुझे स्मरण नहीं है ये किस पुराण का श्लोक है, अन्यथा वैष्णवी माया देवानाम अपि दुर्जया, कथम निवर्तते पुंसाम श्रीमद् भागवतम बिना। भगवान की चरण शरण के बिना बोले कौन इससे मुक्त हुआ है, कौन। इसलिए मैंने कहा भाई, सब सब रोगों की औषधि यही है, यही है, प्रभु के चरण पकड़ लीजिए। बार बार कहिए प्रभु से, बार बार कहिए प्रभु से, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। रामचरित मानस का यहां विश्राम होता है। गोस्वामी जी अंत में ये बात कह रहे हैं, आप देखो ऐसा महत् कार्य किया है गोस्वामी जी ने। श्री रामचरित मानस भव सिंधु से पार जाने के लिए नौका स्वरूप है, ऐसा महत् कार्य गोस्वामी जी ने किया। और आप देखो एक एक क्षण के लिए एक कण जितना श्रेय नहीं ले रहे हैं उसका। वो कह रहे हैं प्रभु ये कार्य आपने मुझे निमित्त बनाकर करा लिया, मेरी व्यथा भी सुनो, मुझे ना भूल जाना। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुबंस मनि हरहु विषम भव भी। सारे रोगों की एक औषधि है, एक शरणागति। नहीं तो भाई, आज जहां से चर्चा आरंभ हुई, निंदा हो, चुगली हो, अहंकार हो, आसक्ति हो, मद हो, क्या ये सब दुर्गुण हमारे जीवन में नहीं है? सभी के सभी तो हैं, कोई कम है कोई अधिक है, कि सारे दुर्गुण ही तो हैं। तो हम तो भाई कौन कौन से रोग की औषधि करेंगे और कब तक करेंगे, कहां तक करेंगे। इसलिए ठाकुर तुम शरणाई आया। श्रीमद् भागवत की सबसे सुंदर बात यही तो है। श्रीमद् भागवत जी कुछ भी कहती हूं, वो वार्ता ज्ञान की हो, वैराग्य की हो, भक्ति की हो, पर अंत में ले श्री कृष्ण के चरणों में ही आती है। यही श्रीमद् भागवत का प्रसाद है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते, भक्तिरुत्पद्यते। इसीलिए शायद गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, जो निष्ठा से यहां पर बैठकर श्रवण करेगा, क्योंकि मैं इसी संकल्प से यहां पर आकर बैठता हूं, जो निष्ठा से यहां पर बैठकर श्रवण करेगा उसको कथा श्रवण करते करते अपने भीतर परिवर्तन भी अवश्य दिखाई देगा, और अंत में उसे श्री कृष्ण के प्रेम का प्रीति का प्रसाद भी अवश्य मिलेगा। ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। बात तो ऋषि मुनियों के, संतों भक्तों के शब्दों वचनों पर विश्वास करने की है ना। कहा ही गया है श्रीमद् भागवत में, स्थान स्थान पर कहा गया है भाई। इसका फल श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का प्रेम है, श्री कृष्ण का अनुराग है, कृष्ण दर्शन लालसा है। हाँ, विश्वास करना है, और पूरा पूरा विश्वास। सातवें अध्याय के आरंभ में श्रीमद् भगवद गीता में यही बात तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही,
कि मैया सक्त मना पार्थ, अब मुझ में आसक्त मन वाला होकर मेरी बात सुनना, क्योंकि आगे की बात जो है ना वो गुप्त है, रहस्य है, मेरे भीतर की बात है, और भीतर की बात किसी अपने को बताई जा सकती है। दो लोगों के बीच में जब विश्वास आकर प्रतिष्ठित होता है, तभी तो वो दोनों अपने अपने हृदय की बात कहते हैं ना। भगवान ने कहा मुझे अपने हृदय की बात कहनी है तुझसे, तो पूर्ण विश्वास से मेरी बात श्रवण करना, अधूरा विश्वास नहीं। अधूरा विश्वास क्या होता है? जिसमें अपनी बुद्धि का कुछ पुट रहता है। पूरा विश्वास क्या है? अपनी बुद्धि नहीं है। भगवान ने कहा दिन तो दिन, रात तो रात। भगवान ने कहा इनको मारो तो मारो, यही धर्म है। अब कोई कहेगा आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये तो ब्लाइंड फेथ है, ये तो अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये पूर्ण विश्वास है। ये पूर्ण विश्वास है, ये अंधविश्वास नहीं है। और इसके बिना कोई पार भी नहीं लग सकता है। गुरुजनों की बात में पूरा पूरा विश्वास किए बिना पार नहीं जा सकता है कोई। अगर आपको संसार में कोई खोज करनी है तो आपको बुद्धि की आवश्यकता है। संसार में कोई खोज करनी है, पदार्थ की यदि आपको खोज करनी है तो आपको बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन संसार से पार जो है वहां यदि जाना है तो वहां तो भाई पहले ही कह दिया मन और वाणी की वहां गम नहीं, बुद्धि वहां जाती नहीं। चांद सूरज जहां पौन न पानी को संदेश पहुंचा, वहां कौन ले जाएगा? बिन सतगुरु अपना नहीं कोई जो यह राह बता। मैं तो अभी इसीलिए गीता के सत्र में भी कह रहा था, मैंने कहा भाई हमारी बात मानो तो मौज ले लो, मौज ले लो, रोज ले लो। मैंने यही कहा था, मैंने कहा भाई हमारी बात मानो तो मौज लो और रोज लो, नहीं तो जाओ खोज लो, तुमको जहां मिले तुम वहां से ले लो। हम तो मौज में हैं, आनंद में हैं। संत सवद लग उतरे पार, सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा।